स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग एसिड एंड बेस। ओके हेलो शिवम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्लास टेंथ में मैं भेज दूँ सभी को डेटा इसका रिवीजन नोट चैप्टर नोट। सभी को नोट्स पहुंच गया है, ओपन कर लें ग्रुप में। सभी को नोट्स मैंने पहुंचा दिया है। ओके सर, मैंने कल वो टेस्ट पेपर का पूछा था। क्या बेटा बोलो, क्या टेस्ट पेपर का? मैंने पेपर दिया था ना पेपर अपना। हाँ बेटा, तो सर उसमें मेरे बहुत कम नंबर आए। अब टेस्ट पेपर को एक काम करते हैं, किसी दिन डिस्कस कर लेते हैं, यही उसमें कर सकते हैं हम लोग, है ना बेटा? ओके सर, उसको डिस्कस कर लेंगे तभी कुछ समझ में आएगा कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है आपसे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। हेडिंग डालिए, चैप्टर का नाम है एसिड्स एंड बेस। ठीक है, एसिड एंड बेस स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन एसिड। पहला क्वेश्चन बनाइए, डिफाइन एसिड। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एसिड। ओके सो वाटर एसिड्स, सो व्हाट वी कैन राइट अबाउट द एसिड, एसिड आर द कंपाउंड विच गिव हाइड्रोजन आयन इन वाटर सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये जो हमारे पास सब्सटेंस दिख रहे हैं ये हाइड्रोजन आयन देते हैं वाटर में जाने के बाद। तो प्रोसेस कैसी होती है, जब आप HCl को डिसॉल्व करते हो तो सबसे पहले ये ब्रेक होता है H+ एंड Cl-, सो इट इज टिल टाइम दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन आयन, बट इमीडिएटली इट मिक्स अप विद द वाटर एंड मेक हाइड्रोनियम आयन। यस, दिस इज रिस्पॉन्सिबल। हाइड्रोनियम आयन इज द मूवेबल आयन इन साइड द वाटर, सो दिस इज द मेन आयन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक इफेक्ट। अगर ये नहीं बनेगा तो एसिडिटी नहीं आएगी, एसिडिक इफेक्ट नहीं आएगा। सो दिस इज योर आंसर। पहला क्वेश्चन लिखिए सभी लोग बच्चों, डिफाइन एसिड। तो ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं उनको हम कहते हैं एसिड। सच एग्जाम्पल्स आर HNO3, आप लोग PDF ओपन कर लें चाहे तो साथ में। HNO3 इन एक्वस इट इज गिविंग यू H+ एंड NO3-। ओके H3H+ एंड NO3-। ओके, और ये H+ जो जाएगा फर्दर, ये H+ जो निकला है आपका, ये वाटर के एक्वस के साथ, एक्चुअली यहाँ पे एक्वस लिख दिया है, सो आई वुड सजेस्ट कि आपने एक्वस क्योंकि ऑलरेडी लिख दिया, मतलब आप वाटर का यूज़ कर रहे हैं, तो बेटर होगा आप H+ ना लिख करके H3O+ लिखें, क्योंकि H+ जो था पानी के साथ ही रिएक्ट करके क्या बना चुका है, H3O+। H2O तो था ही, H3O+ बन गया। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, इज इट क्लियर? सर आपने जो भी बताया वो रिपीट कर दीजिए एक बार। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे HNO3 है, HNO3, ओके, हाइड्रोजन नाइट्रेट, ये आपके पास H+ एंड NO3- में ब्रेक होगा, पहले NO3- में ब्रेक होगा, बट यहाँ पर आपके पास में H+ NO3- के बाद में आपके पास एक्वस है, मतलब HNO3 सिंगल नहीं है, HNO3 में पानी मिला हुआ है, तो ये जो H+ जो है ये इसके में जो वाटर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके बनाएगा ये हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। समझ में आया आपकी कि नहीं आया? यस सर। सिमिलरली आयनाइजेशन ऑफ H2SO4 लिख लो बेटा, अगर आप आयनाइजेशन ऑफ H2SO4 की बात करते हो तो इट विल ब्रेक इनटू 2H+ एंड SO4-। क्लियर, 2H+ दो हाइड्रोजन एंड SO4-2। SO4-2 को बेटा बोलते हैं सल्फेट आयन। क्या बोलते हैं,
सल्फेट आयन आयन, इतने में कोई डाउट हो तो बताइए बच्चों आप लोग। डन डन गाइस, यस ओके। राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन बेसिस, बेस क्या होते हैं? ओके, हु कैन डिफाइन बेस? क्विक रिप्लाई, हु कैन डिफाइन बेस गाइस? व्हाट आर बेसिस? सर सर जो ओ एच माइनस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दोज वो रिलीजेस ओ एच माइनस आयन इन एक्वा सोल्यूशन। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओ एच माइनस आयन, आयन को मूव करने की परमिशन केवल और केवल सोल्यूशन में होती है। याद रखिएगा कि गैसियस फॉर्म में आयन जो होते हैं वो मूवेबल नहीं होते हैं, रिलीजेबल नहीं होते हैं। सो दे गिविंग ओ एच माइनस आयन इन एक्वस सोल्यूशन इन वाटर सोल्यूशन आर कॉल्ड बेसिस। तो ओ एच माइनस आयन वो होंगे जिन जो ओ एच से बने होंगे, ओके, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल आयन। द नेम ऑफ द ओ एच आयन इज हाइड्रोक्सिल आयन एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड बेसिस। फ्यू एग्जाम्पल्स आर सोडियम हाइड्रोक्साइड एन ए ओ एच, इफ यू डिजॉल्व इट इन एन एक्वस सोल्यूशन इट विल गिव एन ए प्लस and OH minus. Similarly, KOH aqueous solution gives you K plus OH minus and calcium hydroxide give you calcium plus and 2OH minus. Clear guys? Samajh mein aaya? Yes sir. Any problem guys? No sir. No, sir. So two question we no, have sir. Done. Define basis with example. Right, next question. Define salt with example. Define salt with example. Salt with example. Okay, so the best definition to define a salt is, write down, the compound obtained by the reaction of acid and base. The compound obtained by the reaction of acid and base is called salt. एक ऐसा compound जो acid और base की reaction से आपको मिलता है other than water. क्योंकि acid और base की reaction जब होती है तो दो ही चीज बनती है, एक होता है salt और एक होता है water. तो अदर देन वाटर अगर आपको जो चीज मिलती है दैट इज कॉल्ड सॉल्ट, है ना? एसिड और बेस की रिएक्शन से जो चीज मिलती है उसको हम बोलते हैं सॉल्ट. यहां पर अपनी इस डेफिनेशन में सॉल्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है, यहां पे कैसे डिफाइन किया गया है? कहा गया है कि किसी एसिड के हाइड्रोजन पार्ट को अगर आप किसी मेटल से रिप्लेस करवा दें, लाइक यहाँ पे सोडियम ले लो तो ये बन जाएगा NaCl. अगर आप किसी एसिड के हाइड्रोजन पार्ट को अगर आप मेटलिक पार्ट से रिप्लेस करा दें, यहाँ पर H2 को आपने किससे रिप्लेस कराया? Cu से. यहाँ पर H को आपने किससे रिप्लेस कराया? पोटेशियम से. तो इफ़ यू रिप्लेस द हाइड्रोजन पार्ट ऑफ एनी एसिड विद एनी मेटलिक मेटल एटम देन इट विल फॉर्म अ साल्ट. तो ये सॉल्ट बनाएगा. सो लिखा है डेफिनेशन में, सॉल्ट आर कंपाउंड ऑप्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड बाय अ मेटल. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट. एग्जैक्टली, दे ऑल आर सॉल्ट एंड दे मे ऑप्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन पार्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एसिड विद देयर मेटल. तो एक चीज यहाँ पे ये भी निकल करके आती है कि सॉल्ट कैसे बना होता. तो सॉल्ट बनने के लिए आपने यकीनन एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराई होती? मेटल के साथ. तो एसिड और मेटल जब आपस में भिड़ते हैं तो भी सॉल्ट बनता है. बट बच्चों याद रखिएगा कि ये जो बनने वाला सॉल्ट है ये सॉल्ट की पूरी बिरादरी को शो नहीं करेगा, ये कुछ ही सॉल्ट को शो करेगा. एंड स्पेसिफिकली वो जो सॉल्ट होंगे वो होंगे केवल मेटैलिक सॉल्ट. कैसे सॉल्ट होंगे बच्चों? मेटैलिक सॉल्ट.
मेटल वाले सॉल्ट होंगे ये नॉन मेटल वाले सॉल्ट नहीं होंगे, ये केवल मेटैलिक सॉल्ट होंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड में मेटल है, मेटैलिक सॉल्ट है। पोटेशियम सल्फेट कॉपर सल्फेट में मेटल है, ये भी मेटैलिक सॉल्ट है। पोटेशियम नाइट्रेट में भी मेटैलिक सॉल्ट है, मगर बहुत सारे सॉल्ट हैं जिनमें किसी प्रकार का मेटल नहीं है, वो आगे आने वाले हैं। तो ये कहना एकदम सही नहीं है कि केवल एसिड और मेटल की रिएक्शन से ही सॉल्ट बनेगा, अलग अलग रिएक्शन से भी सॉल्ट बनेंगे। ओके, समझ में आ गया बच्चों? सो वी हैव डिस्कस थ्री क्वेश्चंस हियर, डिफाइन एसिड, डिफाइन बेस, डिफाइन सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन टाइप्स ऑफ एसिड। लिखिए बच्चों, डिफाइन टाइप्स ऑफ एसिड, डिफाइन टाइप्स ऑफ एसिड, डिफाइन टाइप्स ऑफ एसिड। ओके, सो वी कैन क्लासिफाइड टू टाइप्स ऑफ एसिड हेयर, वी कैन क्लासिफाई टू टाइप्स ऑफ एसिड। सो आपको डिफाइन करना है टाइप्स ऑफ एसिड। सो देयर मे बी टू टाइप्स ऑफ एसिड। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सेकेंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड होने का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड होने का मतलब ये है कि एसिड की पहचान किससे है? एसिड की पहचान है H प्लस आयन रिलीज करने से। गुड इवनिंग बेटा। अगर जो एसिड ज़्यादा H प्लस आयन रिलीज करेगा वो हम कहेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो एसिड कम H प्लस आयन रिलीज करेगा इसका मतलब वो वीक एसिड है। मैंने एसिड में यहाँ बेस लिख दिया, सॉरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड, वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सेकेंड इज वीक एसिड। ओके, सो डिपेंड करता है एच प्लस आयन। अब बोलोगे सर ये कैसी बात हुई? आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों। एक एसिड है एच टू एस ओ फोर और एक एसिड है एच टू एस सी ओ थ्री। इसके बारे में तो आप जानते हो, पहला वाला ये बहुत ही खतरनाक एसिड, इज वेरी डेंजरस सल्फ्यूरिक एसिड, और ये एसिड तो वो है जो आप खाते पीते रहते हो। दिस एसिड इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड बच्चों? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कितने लोगों ने आज तक खाया बताओ? किसी ने खाया क्या क्लास में? अच्छा, पहले ये पूछूंगा, एक मैं ये नहीं पूछ सकता हूँ ये क्वेश्चन कि H2SO4 किसने खाया, ये तो बहुत ही गंदा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि H2SO4 भाई खाने वाली चीज़ थोड़ा ना है। तो मैं ये पूछूंगा कि फिर H2CO3 किसने खाया है? भाई किसी ने क्लास में H2CO3 खाया हो तो बताओ, जनरल नॉलेज की बात करेंगे। खाया कि नहीं खाया बोलो? नहीं बताओगे तुम लोग? सर पता नहीं। पता नहीं, ओके, एग्जैक्टली भाई सब ने खाया है, सब ने खाया है, एवरीवन। केवल उस बंदे ने नहीं खाया होगा मे बी जिसने आज तक कोल्ड ड्रिंक नहीं पी है। तो आपने कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक पी है बच्चों? बोलो यस और नो। यस सर। और उस कोल्ड ड्रिंक में लिखा रहता है ऊपर कार्बोनेटेड वाटर बेवरेजेस, कार्बोनेटेड मतलब उसमें क्या होता है, पानी में कंप्रेस किया जाता है। और आजकल तो भैया ये सोडा वाले बैठने लग गए हैं रोड पे, ये लोग तो पूरी फिजिक्स वहीं पे समझा देते हैं, केमिस्ट्री। तो सोडा वाटर वाले क्या करते हैं, पानी लेते हैं H2SO4 बॉटल में भरते हैं और एक सिलेंडर रहता है, सिलेंडर में ठूस देते हैं CO2 में उस बॉटल का माउथ। तो H2O और CO2 मिल करके बना देता है H2CO3, यही कहलाता है कार्बोनेटेड वाटर, भी इसी को बोलते हैं, है ना? और इसी को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, समझ में आया? और इसी को बोलते हैं सोडा, रॉयल स्टैग सोडा, आता है ना टीवी में, बोलो भाई। सो दिस इज कॉल्ड, ये जो आप जो आपको एक अच्छी सेंसेशन, एक अच्छी फीलिंग मिलती है माउंटेन ड्यू पीने के बाद में, ठीक है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस H2CO3 कार्बोनेटेड वाटर।
बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सबने कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल कर रखा है। तो भैया अब बात ये है कि हम बात कर रहे थे, आप H2 दो हाइड्रोजन इसमें है और दो हाइड्रोजन इसमें है, बट आप इसको नहीं पी सकते और इसको आप बड़ी खुशी खुशी पीते हो, ऐसा क्या रीज़न है? बिकॉज़ ये बहुत स्ट्रांग है और ये वीक है। सर क्यों? बेटा जब इसको पानी में घोला जाता है तो H2SO4 का आयनाइजेशन बहुत तेज़ी से होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, बहुत जोरदार आयनाइजेशन होता है, मगर इसका आयनाइजेशन ना के बराबर होता है। नो तो इसका आयनाइजेशन नहीं होता है, मगर इसका आयनाइजेशन होता है। इसका आयनाइजेशन होता है, बहुत कम होता है। कार्बोनिक एसिड का आयनाइजेशन बहुत कम होता है, मगर इसका आयनाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। मान के चलो आपने एक चम्मच अगर पानी में H2SO4 डाला तो हो सकता है कि 500 हाइड्रोजन के आयन रिलीज हो जाएं, मगर आप एक चम्मच अगर कार्बोनेटेड वाटर डाल दें तो 500 रिलीज नहीं होंगे, 50 से कुछ कम रिलीज होंगे, 50 से भी कम। सो आप देख रहे हैं एक चम्मच में उतना ही अमाउंट था, मगर दोनों में हाइड्रोजन आयन एक में ज़्यादा एक में कम। सो दिस इज द रीज़न बिहाइंड द स्ट्रॉन्ग एसिड। सो राइट डाउन द क्वेश्चन गाइज, डिफाइन स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड। राइट डाउन द क्वेश्चन, डिफाइन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। सो स्ट्रॉन्ग एसिड आयोनाइज फुल्ली इन वाटर, ऑलमोस्ट फुल्ली इन वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोब्रोमिक एसिड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। इन द अदर साइड वीक एसिड दे आर पार्शियली और प्रोड्यूसिंग वेरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द ऑन डिजॉल्विंग विद द वॉटर। एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, यू कैन से विनेगर, एसिटिक एसिड इज द अदर नेम ऑफ विनेगर, सिरका जो आप चाउमीन में इस्तेमाल करते हो, विनेगर। ओके एंड सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस, इट इज़ नॉट सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक चिल्ला चिल्ला के बोलता है एक अधिक, सल्फ्यूरस सेइंग सल्फ्यूरस। सो दे वीक एसिड आयोनाइज वेरी लेस इन वाटर। ओके राइट डाउन द क्वेश्चन, डिफाइन द टाइप ऑफ बेसिस, डिफाइन द टाइप्स ऑफ बेसिस। सो टू टाइप्स ऑफ बेसिस एज सिमिलर एज एसिड्स, बेसिस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि हाउ मच ओ एच माइनस आयन रिलीजेस फ्रॉम एसिड मॉलिक्यूल। एज मच एज नंबर ऑफ ओ एच माइनस आयन रिलीजेस फ्रॉम द बेस मॉलिक्यूल, एज मच एज द सोल्यूशन विल बी बेसिक। ओके सोल्यूशन विल बी बेसिक। सो जितना ज़्यादा आपका ओ एच माइनस आयन रिलीज होगा सोल्यूशन उतना बेसिक होगा। ओके सो वो और आपका जो सोल्यूशन कहलाएगा वो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। सो द बेस इज आयनाइज्ड फुल्ली इन वाटर टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ओ एच माइनस आयन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज समवॉट माइल्ड, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड लिथियम हाइड्रोक्साइड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। बेसिस प्योर अगर आपकी चमड़ी पे पड़ जाए तो आपकी चमड़ी को जला के खाक कर देगा, वहाँ का पानी सुखा देगा, उसको जला देगा, बर्न कर देगा। तो एसिड एंड बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस बोथ हैविंग द वेरी स्ट्रॉन्ग बर्निंग इफेक्ट, दोनों के पास ज़बरदस्त जलाने की शक्ति होती है, चाहे आप स्ट्रॉन्ग एसिड देखें या स्ट्रॉन्ग बेस देखें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हम लोग खाने पीने में भी करते हैं। आपने नाम सुना होगा चूना, गीला चूना जो पान में लगाया जाता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। आप चूना बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, आपकी स्किन को जला देगा, काट देगा, आपकी स्किन को जला देगा, छाले पड़ जाएंगे, स्किन का पानी सुखा देता है चूना।
सो क्यों? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है. ओके, नाउ वीक बेसिस, राइट द क्वेश्चन. डिफाइन वीक बेसिस. द बेसिस विच आयनाइज वेरी लेस इन वाटर आर कॉल्ड वीक बेसिस. वीक बेसिस एग्जाम्पल वीक बेसिस का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. इट्स अ रेमेडी टू रिमूव एसिडिटी फ्रॉम योर स्टमक. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस. ये एक बहुत बढ़िया रेमेडी है जो आपके पेट में बढ़ी हुई एसिडिटी को, मतलब हाइड्रोजन आयन जब आपके पेट में बढ़ जाते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप ऊपर से खाते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अब आप कहेंगे सर कहाँ मिलता है, हमने तो कभी नहीं खाया. तो दो तरीके में आपने खाया है, सब लोग खाते हैं. एक आपने शायद कभी एक टेबलेट का नाम सुना हो, डाइजीन. सुना है? यस सर. डाइजीन टेबलेट आती है, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है. और डाइजीन का सिरप आता है, जो सिरप आता है डाइजीन का, वो भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है. और दूसरा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये हो गया. और भी कई सारे वीक बेसिस हम लोग खाते हैं. एक आता है इनो, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में. दैट इज ऑल्सो एंटा एसिड्स होते हैं ना, ऑब्वियसली एंटा एसिड. वीक बेसिस आर एंटा एसिड्स, जो एसिड का विरोध करें वही हैं एंटी एसिड्स. ओके, सो ये वीक बेसिस होते हैं. सो सच आर एग्जांपल ऑफ द वीक बेसिस. सो मेक द क्वेश्चन वीक एसिड एंड वीक बेसिस. एग्जांपल लिख ले. ये डाई तो ये जो होते हैं ये बहुत कम रिलीज होते हैं. चलिए अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट. कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट. बहुत बच्चे ये समझते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन या नंबर ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ गए. नो, नहीं बढ़े. कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन या मतलब आयनाइजेशन बढ़ गया. नो, आयनाइजेशन नहीं बढ़ा. कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट में जो काम करता है उस काम करने वाले का नाम है सॉल्वेंट. मतलब कोई चीज़ कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट है वो बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट है जिसमें आप उसको घोल रहे हो, जिसमें आप उसको घोल रहे हो. अब आइए एग्जांपल लेते हैं. आपके पास 2 गिलास हैं, दोनों गिलास में पानी भरा हुआ है थोड़े ऊपर तक. अब एक गिलास में आपने 2 चम्मच शुगर डाला और एक गिलास में आपने 10 चम्मच शुगर डाला और दोनों को घिलाया. एक बनेगा शरबत और एक बनेगा शीरा, शक्कर का शीरा. चाशनी बन जाएगी, ये कितना ज़्यादा मीठा हो जाएगा कि एक चाशनी बन जाएगी बिल्कुल. और एक अब फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अगर आप इन दोनों के 1 वॉल्यूम को, 1 यूनिट वॉल्यूम को देखें, 1 यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 सेंटीमीटर का जो पासा होता है ना डाइस, उतने डाइस के बराबर वॉल्यूम को उठा के दोनों को देखें, तो दोनों में एक में शुगर के कंटेंट बहुत कम होंगे और दूसरे में शुगर के कंटेंट बहुत ज़्यादा होंगे. बस ये फर्क है. आयोनाइजेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ पे बात हो रही है सॉल्यूट के कंसंट्रेशन की. अगर पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है इसका मतलब स्ट्रॉन्ग है सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, सॉरी वो कंसंट्रेटेड है सॉरी. और अगर पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब वो क्या है? डाइल्यूट है. अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन लेस अमाउंट ऑफ वाटर. जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा हो सॉल्वेंट कम हो. और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें
सॉल्यूट कम हो और सॉल्वेंट ज्यादा हो। डन, समझ में आया? यस सर। हाँ, तो जो बच्चे ये अनुमान लगाते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड का मतलब मोर एच प्लस, लेस एच प्लस, मोर ओ एच माइनस, लेस ओ एच माइनस से है, नो, नो वे, इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द दैट। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैज़ मोर अमाउंट ऑफ एच सी एल एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। ऑन द अदर साइड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैव लेस अमाउंट ऑफ एच सी एल एंड मोर अमाउंट ऑफ वाटर। गाइस, सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज गिवन हियर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉक्स लिखा हुआ है, कॉक्स, कॉक्स का मतलब कंसनट्रेटेड, खतरनाक, और ये है डाइल्यूट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट एच सी एल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था, लिखो, डिफाइन, डिफाइन कॉन्सनट्रेटेड एंड डाइल्यूट, कॉन्सनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन, डिफाइन कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सोल्यूशन, एग्जाम्पल्स ऑफ सोल्यूशन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। ओके, डिफाइन कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन विद एग्जाम्पल। सो दिस हैज बीन डन गाइज, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, define dilution of acid and base. So what we mean by dilution of acid and base? Dilution means mixing of solvent in given amount of solute. आप अगर किसी चीज को dilute कर रहे हो, इसका मतलब आप उसके सॉल्यूट पार्टिकल की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो, सॉल्यूट पार्टिकल की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो। ओके, और कैसी कंसंट्रेशन? पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन, ओवरऑल कंसंट्रेशन की बात नहीं होगी, याद रखिएगा। अगर आपके पास एक गिलास में कुछ पार्टिकल सुगर के हैं, तो कितना भी पानी मिला दें, अगर कुछ बाहर नहीं ओवरफ्लो होता है, तो जितने पार्टिकल पहले थे उतने पार्टिकल बाद में रहेंगे, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल आपके बिल्कुल सेम रहेंगे। फिर डाइल्यूशन ने क्या इफेक्ट किया, जो पर यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल पहले ज़्यादा ज़्यादा थे, अब पानी मिलाने की वजह से यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, तो ये होता है डाइल्यूशन का इफेक्ट। ओके, बट यहाँ पे हम सुगर के डाइल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस की बात कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट नोट करिए कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जी हाँ, एसिड या बेस की जो डाइल्यूशन प्रोसेस है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पानी मिलाना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, अब यहाँ पे लिखा है कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, भैया इनको पूरा लिखना चाहिए कि कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम, पूरे सॉल्यूशन में तो उतनी ही रहेगी, पर यूनिट वॉल्यूम में कम हो जाएगी। सो द एसिड एंड बेसिस बिकम डाइल्यूटेड। दूसरी मैंने क्या बताई, एक्सोथर्मिक है, मतलब जैसे ही आप पानी डालोगे हीट निकलेगी। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एग्जाम में भी कई बार आया है, कि एसिड के अंदर पानी डालें, बेस के अंदर पानी डालें, या पानी के अंदर एसिड बेस डालें। सवाल उठता है, एसिड के भीतर पानी डालो यदि आपको डाइल्यूट करना है, तो सीधा H2SO4 लिया और उसके अंदर पानी डाल दिया, या पानी ले करके H2SO4 मिलाया? बोलो विच इज द करेक्ट वन, फर्स्ट वन और सेकेंड वन? एसिड में पानी डालोगे या पानी में एसिड डालोगे? सर, पानी में एसिड। एसिड में पानी नहीं, एसिड में पानी नहीं डालना है। एसिड जो होता है उसके अंदर एनर्जी कंटेंट बहुत होती है, और जब वो एनर्जी ऑलरेडी है
और जैसे ही पानी डालोगे तो वो एनर्जी छोड़ेगा, तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एसिड है वो एनर्जी को लेने से मना कर देता है, और इस वजह से वो जो आपका एसिड होता है वो स्प्लैश आउट कर जाता है। पता चला आपने हाथ से पकड़ रखा है नीचे, तो आपके हाथ में स्प्लैश करेगा। मगर जो पानी में एसिड डालोगे, तो जैसे ही एसिड डालोगे तो एनर्जी निकलेगी, तो वो एनर्जी कहाँ चली जाएगी, वो सराउंडिंग वाटर में चली जाएगी, और वाटर को कोई मना नहीं उस एनर्जी को लेने में। वाटर बड़े मजे से उस एनर्जी को लेके हीट अप हो जाएगा। सो एसिड को पानी में डालना है बड़े आराम आराम से, ये रीजन। ठीक है, तो भैया बेस के साथ भी आपको यही काम करना है, इस तरीके से ही करना है। चलो स्वास्थ्य पढ़िए, क्वेश्चन लिख लिया बच्चों? क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, एक्सप्लेन डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। स्वास्थ्य पढ़िए, इफ कंसंट्रेटेड एसिड If concentrated acid or base is mixed with water, concentration of hydronium ion H3O plus decreases, so the acid or base becomes dilute. The phenomena of changing concentrated acid or base into dilute acid or base, respectively, is an exothermic reaction. Concentrated acid plus H2O gives dilute acid plus heat. Concentrated base plus H2O gives dilute base plus heat. Always add concentrated acid or base to water, not water to concentrated acid or base. When concentrated acid is added to water, heat is released gradually. This heat is absorbed by large amount of water to increase its temperature. When water is added to concentrated acid, heat is released suddenly. This heat vaporizes a small amount of water to steam. This steam is split out with drops of concentrated acid, which can damage our body. So always add concentrated acid to water, not water to concentrated acid. Same is true for base also. यस ठीक है, समझ में आया बच्चों? यस यस सर ओके। सो ये कारण था कि भाई एसिड को बेस को डाइल्यूश करते समय बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से आप अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके अब बच्चों लिखिए, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एसिड की, एंड हमारी जनरल लाइफ में एसिड कहाँ कहाँ पर होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है? भाई एसिड का टेस्ट होता है खट्टा। द वर्ड एसिड केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस और एसेर, विच मीन्स सोर। सो टेस्ट इज द मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसिड। देयर आर मैनी सब्सटेंस विच कंटेन एसिड, हैंस टेस्ट सोर, सच एज कर्ड, ग्रेप्स, टर्मेंड मतलब इमली, लेमन, टोमेटो। अब टाइप ऑफ एसिड की बात करते हैं बच्चों। दो तरीके के एसिड हैं, एक नेचुरल एसिड और एक मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड मतलब जो एनिमल, प्लांट और ऑर्गेनिक लाइफ में पाए जाते हैं वो नेचुरल एसिड होते हैं। बाकी जो एसिड जो लिविंग बींग्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं वो एसिड कहलाते हैं मिनरल एसिड। तो हमारे पास बहुत सारे एसिड जो लिविंग बींग्स के अंदर पाए जाते हैं वो होते हैं नेचुरल एसिड, बाकी हैं मिनरल एसिड। चलिए लिखिए क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड बताइए कितने होते हैं। ओके, दो तरीके के एसिड, नेचुरल एसिड, मिनरल एसिड। अब आइए नेचुरल एसिड की बात करते हैं। नेचुरल एसिड कहाँ कौन से हैं, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेचुरल एसिड जो बॉडी के अंदर, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो जो हमारे एसिड हैं वो साइट्रिक एसिड, लेमन, ऑरेंज, खट्टापन जो होता है ना साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, टर्मेनेंट्स, ग्रेप्स, अंगूर खट्टे होते हैं, इमली का खट्टापन जो होता है टार्टरिक एसिड की वजह से होता है, आपका हल्दीराम का खट्टा मीठा नमकीन भी टार्टरिक एसिड डाला जाता है उसमें, कभी देखा होगा आपने, छोटे छोटे कलरलेस पार्टिकल होते हैं उसमें, देखिएगा वो टार्टरिक एसिड है। लैक्टिक एसिड ऑल यू नो कर्ड में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटो में, एसिडिक एसिड भैया केचप, टमाटो केचप,
विनेगर, सिरका घर में बोलते हैं, एंड फॉर्मिक एसिड, लाल वाली जो चींटी होती है ना उसमें पाया जाता है, जो बहुत जोर की काटती है। नेटल लीफ, ये आपने देखी नहीं है गांव वगैरह में, कई जगह पर नेटल लीफ लगा होता है, बहुत तीखे टाइप का एक पत्ती होती है, वो हाथ में लग जाती है तो बहुत जोर का दर्द देता है काफ़ी देर तक, क्योंकि उसकी लीव्स में यही फॉर्मिक एसिड हुआ करता है। एंड नाउ मिनरल एसिड, ऐसे एसिड जो इनऑर्गेनिक हैं, मैन मेड हैं, सिंथेटिक हैं, मिनरल हैं, जो ह्यूमंस में नहीं पाए जाते हैं, मतलब कि प्लांट्स में, लिविंग लाइफ में उतना ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं, या तो वो मतलब मैन मेड है। तो ऐसे एसिड जो होते हैं वो हमारे मिनरल एसिड है। एसिड दैट प्रिपेयर फ्रॉम द मिनरल आर नोन एज मिनरल एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, मैन मेड एसिड, या इसी को बोलते हैं सिंथेटिक एसिड, जो इंसान बना सकता है। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि वो बॉडी में नहीं होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बॉडी में नहीं होते, हाँ होते हैं बॉडी में, मगर ये जान लो कि जो इंसान इनको बना सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे, ये मैन मेड भी है, नेचुरली एग्जिस्ट करता है बट ये मैन मेड भी है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सारे के सारे एसिड जो होते हैं ये कहलाते हैं आपके मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं बेटा हमेशा वीक होते हैं, मगर मिनरल एसिड ज़रूरत के अनुसार वीक भी होते हैं और स्ट्रांग भी होते हैं, ठीक है। वी कैन टेक डाइल्यूट वीक एसिड लाइक ऑर्गेनिक एसिड इन आवर बॉडी, बट स्ट्रांग एसिड लाइक स्ट्रांग मिनरल एसिड आर वेरी हार्मफुल टू अस। हम हल्के सर वीक एसिड तो ले सकते हैं। हाँ बोलो बेटा। सर हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है लेकिन फिर भी वो मिनरल एसिड मानते हैं। हाँ होता है ना, मैंने मैंने कहा है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि मिनरल एसिड हमारे बॉडी में नहीं है, हमारी बॉडी में मिनरल एसिड भी थोड़े बहुत हैं, ठीक है ना, मगर ज़्यादातर जो एसिड्स हैं, कॉमनली फाउंड जो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड हैं, वो लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं। लिविंग बींग्स में मिनरल एसिड बहुत कम हैं, और एक्वाटिक लाइफ, एक्वाटिक कहना चाहिए, ऑर्गेनिक लाइफ में जो एसिड प्रेजेंट हैं वो ऑर्गेनिक एसिड हैं, बाकी के जो एसिड हैं वो आपके मिनरल एसिड हैं। तो मिनरल एसिड कुछ एक हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, वी कैन टेक डाइल्यूट वीक एसिड लाइक ऑर्गेनिक एसिड, मगर यदि हम स्ट्रांग एसिड लेते हैं तो हमारी बॉडी को इफेक्ट करेंगे। तो क्या लिखा है मैंने क्वेश्चन में, डिफाइंड टाइप्स ऑफ एसिड। तो दो तरीके के एसिड हैं, ऑन बेस ऑफ देयर फॉर्मेशन, एक मिनरल एसिड और दूसरा कौन सा, मिनरल की बात बताया मैंने, नेचुरल। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं बेसिस की, बेसिस क्या होते हैं, डिफाइन बेस। तो एक तो बताया आपने कि बेस सर जो हाइड्रोक्सिल आयन छोड़ते हैं बेस होते हैं, अगर मैं बेस की फिजिकल करेक्टर्स की बात करूं तो बेस कैसे होते हैं, तो देखिए बेस जो होते हैं, नंबर वन बेस का जो स्वाद होता है वो बिटर होता है, कड़वा होता है, समझ गए, ये बिटर होते हैं टेस्ट में, कसैले लगते हैं खाने में। एग्जाम्पल के लिए साबुन, साबुन का जो स्वाद होता है वो समहाउ बिटर होता है, कड़वा होता है, तो ये बेस हुआ करते हैं। दूसरा ये टच में इनकी मेन मेन खासियत बात है, इनका जो टच होता है बहुत सोपी होता है, पुलपुला होता है, इनको छूने में बिल्कुल पुल 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 की फीलिंग आती है, ठीक है। और इनका यूज़ एज अ डिटर्जेंट, एज अ वाइट वॉश किया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन बेसिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंस किस में होता है भाई, बहुत ही काम का चीज़ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, दुनिया के सारे साबुन डिटर्जेंट इसी से बनते हैं, मेन कंस्टिट्यूएंट है, अगर कास्टिक सोडा नहीं होगा तो निरमा साबुन शैम्पू ये सब नहीं बन पाएंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास, ये कहाँ यूज़ होता है भैया, ये पटाखे बनाने में यूज़ होता है कास्टिक पोटास। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर निरमा जो होता है वॉशिंग सोडा में यूज़ होता है। अब आप कहोगे सर उसमें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है, भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड
पहले इस्तेमाल होता था मगर इतना तेज होता था कि कपड़ों को फाड़ देता था और हाथों की भी बैंड बजा देता रहा, ठीक है ना। इसलिए ये सोडियम कार्बोनेट आया जिसने आपके हाथों का रखा ख्याल, ठीक ना। अब सलमान खान कहता है कि ये आपके हाथों का रखे ख्याल व्हील, ठीक है ना, इसमें है कौन से पार्टिकल, क्या क्या बोलते रहते हैं। अगला है भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना चूना, समझ गया ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ चूना जो पान में खाते हैं वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए तो ये थी आज की क्लास, यहीं तक करेंगे। और आपका होमवर्क है जितना मैंने कराया है आपको ये करके देना है, मगर अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई, दो चार लाइन आपसे और बात करेंगे हम। बात ये है कि